श्री राहुल विश्वकर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। आप मध्य प्रदेश शहर के मध्य प्रदेश से आते हैं और आपको संगीत और वादन की जो परिचय है वो आपके चाचा से सेवल राम जी से और पिता श्री अनंत राम विश्वकर्मा जी से प्राप्त हुआ। आप फरुखाबाद घराने की परंपरा को अपनाते रहे हैं और इसके लिए आपको उस्ताद सरबत हुसैन खान साहब जी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राहुल जी इन दिनों ताल सम्राट सुरेश तलवरकर जी से भी समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं। आज आप स्वतंत्र वादन प्रस्तुत करेंगे जिसमें तीन ताल शामिल है। इसके बाद आप अपने साथी कलाकारों के साथ सामूहिक वादन प्रस्तुत करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि राहुल विश्वकर्मा जी के साथ आज इस मंच पर अनेक कलाकार मौजूद हैं, जिनमें मृदंगम पर अभिषेक जी, रवि किरण जी मोरसिंह पर संगत कर रहे हैं, हारमोनियम पर ब्रिजेश मिश्र जी हैं, सारंगी पर श्री अनिल मिश्र जी, ड्रम पर नवीन पात्रे जी संगत कर रहे हैं। हम सभी कलाकारों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल विश्वकर्मा जी से अनुरोध है कि वो अपने ताल वाद्य जो उनका तबला वादन है उसे प्रस्तुत करें और अपने वादन के साथ साथ पढ़न की जो उनकी शैली है उसका भी परिचय दर्शकों को देते हुए अपने वादन को प्रस्तुत करें। सभागार में उपस्थित सभी कोड़ी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कथक केंद्र के डायरेक्टर सर, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर रखा और हमें सभी गुरुओं की दोबारा एक बार याद करने का अवसर मिला, इसके लिए बेहद धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना वादन पहले तो तीन ताल विलंबित में पारंपरिक और दूसरे भाग में फिर मैं और जो वाद्य यंत्र आप यहाँ साथ में देख रहे हैं फिर हम साथ में जुगलबंदी आपके लिए यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। इजाजत दीजिए।
कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं और मैं कुछ अन्य वाद्य यंत्रों